सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में सऊदी अरब इंडिया की कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ। मुफ्ती सलमान अजहरी से रिलेटिव एक जानकारी आ रही है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। साथ ही साथ किस तरीके से कावड़ियों ने उत्पाद मचा रखा है, उसके भी काफ़ी वीडियो वायरल हो रहे हैं, जैसे शुरू में आप लोगों ने देखे होंगे। और सऊदी अरब से रिलेटिव भी काफ़ी इंपॉर्टेंट खबरें आप लोगों को बताने वाला हूं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप लोगों को पूरी जानकारी मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली जानकारी मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर देता हूँ। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक मुस्लिम व्यक्ति को बहुत बुरी तरीके से पीटा गया, जिसमें कपड़े फटे हुए भी नज़र आ रहे हैं। बताया जा रहा है ये मेरठ का वाकया है, जहाँ पर कावड़ियों का इस पर कहना है कि हमारे कावड़ को इन्होंने खंडित किया, पीछे से गाड़ी ठोकी। इसमें चार बंदे बैठे हुए थे कार के अंदर, जिसमें से तीन भाग गए थे और एक व्यक्ति को पकड़कर बुरी तरीके से पीटा गया, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें काफ़ी उत्पात मचाते हुए नज़र आ रहे हैं कावड़िया। कहीं पर गाड़ी तोड़ रहे हैं, कहीं पर ई रिक्शा तोड़ रहे हैं, कहीं पर मोटरसाइकिल तोड़ रहे हैं। अब इस पर प्रशासन का किसी भी तरीके से कार्रवाई नहीं की जा रही है। और इसमें ये भी बताया जा रहा है, जब रोड के किनारे नमाज पढ़ते हुए लोग, जो कि दिल्ली का वीडियो वायरल हुआ था, वहाँ पर सिर्फ रोड के किनारे नमाज पढ़ रहे थे, तो वहाँ पर पुलिसकर्मी ने वहाँ पर लातें चलाई थी, लातें मारी थी। और यहाँ पर इतना उत्पात मचाया जा रहा है, लेकिन प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। इस तरीके के सवाल किए जा रहे हैं सोशल मीडिया पर। आप क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और एक वीडियो क्लिप और वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, जिसमें बाबा जी से एक व्यक्ति कहता है कि मेरा एक बहुत बड़ा सपना है। और उस सपने के बारे में पहले आप लोग सुन लीजिए, फिर आगे हम बताएंगे मुफ्ती सलमान अजहरी के बारे में। पहले ये वीडियो क्लिप आप लोग सुन लीजिए। कोटि कोटि प्रणाम, खुश रहिए। जैसे गुरु जी, हम रोज 5000 राधे राधे नाम जप करते हैं, तब पर भी हमको घर पे सब कोई नालायक बोलता है। कौन नालायक बोलता है? मेरे पापा दीदी बोलते हैं कुछ करते नहीं। कुछ काम करते हो? नहीं, अभी नहीं। तो काम भी करो ना बेटा। जो काम सोचे हैं वो थोड़ा कठिन है। क्या? हिंदू राष्ट्र के लिए सभी मूल्यों को मारना चाहते हैं हम। किसको मारना है? सभी कटुओं को, मूल्य को। इसीलिए नाम जप करते हैं गुरु जी। बेटा, नाम जप का उद्देश्य ये ना हो कि हम किसी का नुकसान करें। तो जैसा कि आप लोगों ने वीडियो को सुना होगा, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से लोग रिएक्ट कर रहे हैं कि ये नालायक लड़का पूरे मूल्यों को ख़त्म करने की बात कर रहा है, और ये कहने के लिए ये बंदा आज़ाद है, एक कम्युनिटी के खिलाफ बोल रहा है, मारने की काटने की बात कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी ये आज़ाद है, कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। तो इसी तरीके की एक फ़ोटो शेयर की गई है, जिसमें मुफ्ती सलमान अजहरी का जिक्र किया गया है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें मुफ्ती सलमान अजहरी ने किसी भी धर्म या किसी भी जाति या किसी का नाम नहीं लिया था। उसके बावजूद भी मुफ्ती सलमान अजहरी साहब अभी भी जेल के अंदर हैं। तो सोशल मीडिया पर इस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं कि ऐसा क्यों है, मतलब एक धर्म के खिलाफ इस तरीके की कार्रवाई की जाती है, जिसमें नाम नहीं लिया किसी धर्म का, किसी समुदाय का, उसके बावजूद भी अभी तक वो जेल के अंदर हैं, और यहाँ पर खुलेआम इस तरीके की बातें कर रहे हैं ये लोग। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं सऊदी अरब की कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अबशर में एक नई सर्विस लॉन्च की गई है, जोड़ी गई है। अपडेट में बताया गया कि बैंक से रिलेटिव आपके साथ में किसी भी तरीके की धोखाधड़ी होती है, तो आप अबशर पोर्टल के माध्यम से कंप्लेन दर्ज करवा सकते हैं। आप लोगों को पुलिस स्टेशन जाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग ऑनलाइन इसकी रिपोर्ट दर्ज करवा सकते हैं अपशर के माध्यम से। जैसे कि आपका कितना पैसा चोरी हुआ है, कहां पर हुआ है, सारी डिटेल आप भर के सबमिट कर सकते हैं अपशर पोर्टल के माध्यम से। और एक अपडेट आप लोगों के साथ में और शेयर कर देता हूं, दो सीरियाई नागरिकों ने एक पाकिस्तानी टैक्सी ड्राइवर को लूट लिया, बंदूक की नोक पर, चाकू की नोक पर। मतलब कार के अंदर वो बैठते हैं, उसके बाद में उसको ले जाते हैं, और ले जाने के बाद में जब उतरने का समय आता है, उसके बंदूक की नोक पर उसके साथ में लूटपाट की। और जब वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद में पुलिस ने इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी थी, मैंने आप लोगों के साथ में शेयर कर दी। जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे हमारी नई वीडियो आने पर आप लोग को नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके।
तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।